महाभारत युद्ध के 6 रहस्यमयी व्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, हम सब भारतीयों का जीवन हमेशा से ही हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में ही क्यों ना हो, पर हम अपने इतिहास और संस्कृति को कभी नहीं भूलते, क्योंकि बचपन से ही हम रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को देखते या सुनते आ रहे हैं और जीवन के हर कदम पर इनसे सीख लेते आ रहे हैं। पर महाभारत और रामायण सिर्फ महाकाव्य ही नहीं, ज्ञान का वो भंडार है जिससे हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है, और इनमें कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में जानकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं महाभारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी व्यक्तियों के बारे में जिनके ना होने से महाभारत का इतिहास बदल जाता। 1. सहदेव। हम सब पांडु पुत्र सहदेव के बारे में बखूबी जानते हैं, जो कि माद्री और अश्विनी कुमार के पुत्र थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वे पांडु पुत्र कैसे कहलाए। वेल, पांडु सहदेव के धर्म के पिता थे, क्योंकि एक श्राप की वजह से वो कभी खुद की संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। दोस्तों, बाकी पांडवों की तरह सहदेव के पास भी बहुत सी शक्तियां थी, पर क्या आप जानते हैं, सहदेव के पास एक ऐसी रहस्यमय शक्ति थी जिससे वो फ्यूचर भी देख सकते थे, और उनके ये शक्ति उनके धर्म पिता पांडु का दिमाग खाने से मिली थी, जो बहुत ही ज्ञानी थे। वेल, उन्होंने ऐसा अपने पिता पांडु के आदेश से ही किया था, पर श्री कृष्ण के श्राप की वजह से वो ये रहस्य किसी को भी नहीं बता सकते थे, वरना उनकी तुरंत ही मौत हो जाती। 2. बर्बरीक। दोस्तों, बर्बरीक महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही दुश्मन की पूरी सेना को खत्म कर सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है और इसके पास ऐसी कौन सी शक्तियां थी। वेल, बर्बरीक पांडु पुत्र भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था, जो कि बहुत ताकतवर था। एक वरदान की वजह से वो अपने 3 बाण से ही दुश्मन की पूरी सेना को खत्म कर सकता था, पर क्या आप जानते हैं, इस वरदान की वजह से वो सिर्फ कमजोर सेना से ही लड़ सकता था, और ऐसे में वो दोनों तरफ से लड़ता और दोनों तरफ की सेनाओं का संतुलन बनाने के कारण दोनों सेनाओं को खत्म कर देता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने साधु बनकर बर्बरीक से उसका सर मांग लिया था और बदले में उसे अपना नाम दिया था। राजस्थान के खाटू श्याम जी बर्बरीक ही हैं। 3. संजय। हम सब महाभारत के पात्र संजय को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर क्या आपको पता है, इनके पिता एक बुनकर थे, इसलिए इन्हें भी सूत पुत्र कहा जाता है। दोस्तों, संजय हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र के सलाहकार थे और उनका रथ भी चलाते थे। संजय बहुत ही ज्ञानी थे और उनके इसी ज्ञान की वजह से उन्हें महर्षि वेद व्यास से वरदान प्राप्त था, जिस वरदान की वजह से उन्हें दूर दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसकी मदद से वो एक स्थान पर बैठे बैठे दूर की चीजों को देख लेते थे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, महाराजा धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसलिए संजय ने अपनी दूर दृष्टि की मदद से ही उन्हें पूरे महाभारत के युद्ध के बारे में बताया था। दोस्तों, कहा जाता है कि संजय युद्ध की रणनीति को भी देख लेते थे, और तो और उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन को दिया हुआ गीता का ज्ञान भी सुना था और भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन भी किए थे, जिससे उनका जीवन धन्य हुआ था। 4. अश्वत्थामा। महाभारत के 4th रहस्यमय व्यक्ति थे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी और वो पल भर में ही युद्ध को खत्म कर सकते थे, पर भगवान श्री कृष्ण की वजह से वैसा नहीं कर सके। दोस्तों, क्या कोई इंसान हजारों सालों तक जीवित रह सकता है? पर दोस्तों, अश्वत्थामा श्री कृष्ण के श्राप की वजह से आज भी इस दुनिया में भटक रहे हैं और उनके शरीर से खून और पीप की धार आज भी निकल रही है, पर कोई नहीं जानता वो कहां है। आज भी माना जाता है कि वो कई जगह आते हैं, पर किसी ने उन्हें अभी तक नहीं देखा और आज भी वो एक रहस्य बने हुए हैं। 5. कर्ण। महाभारत के 5वें रहस्यमयी और सबसे महान योद्धा थे अंगराज कर्ण, जो कि एक महान धुरंधर थे और वो इतने शक्तिशाली थे कि उनके सामने दुश्मन कांपने लगता था। वे कुंती के पहले पुत्र थे, जिन्हें कुंती ने अपने विवाह के पहले भगवान सूर्य नारायण से वरदान में प्राप्त किया था, पर किसी कारण से माता कुंती ने उन्हें त्याग दिया था। दोस्तों, कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिसके रहते उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। वो इतने बड़े दानवीर थे कि देवराज इंद्र ने धोखे से उनका कवच और कुंडल उनसे दान में मांग लिया था। दोस्तों, अंगराज कर्ण सच में बहुत ही महान थे, तभी तो भगवान कृष्ण भी उनका सम्मान करते थे। 6. शिखंडी। शिखंडी, जो कि महाभारत युद्ध का सबसे प्रमुख व्यक्ति था और पांडव उनके बिना कभी युद्ध ना जीत पाते। दोस्तों, शिखंडी का रहस्य उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था। वो पिछले जन्म में राजकुमारी अंबा के नाम से जाना जाता था, जो कि स्त्री थी, पर गंगा पुत्र भीष्म ने उनका उसके पिछले जन्म में उसका अपमान किया था, जिसके बदले उन्होंने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह से लिया।
दोस्तों कि आपको पता है भीष्म पितामह ने शिखंडी को युद्ध के मैदान में देख उन्हें स्त्री मानकर अपने शस्त्र त्याग दिए थे और अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया था। और अगर शिखंडी नहीं होते तो गंगा पुत्र भीष्म को कोई नहीं हरा पाता और इसलिए शायद पांडव ये युद्ध हार जाते। तो दोस्तों ये थे महाभारत के सबसे रहस्यमयी लोग। आपको इनमें से कौन सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।